ya no. सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग विधानसभा का चुनाव में थाका भाई थाका बेटा ने आशीर्वाद दे विधानसभा में पूछा हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप लोगों से एक विनती करवा के लिए आए छू कि भाई जियान को थे आशीर्वाद आप लोग मन दियो, विशु ज्यादा बड़ो आशीर्वाद ज्यादा मत सु स्वामी जी ने दायरा सुनिट दियो जड़ा अपनी कुल मिलाड़ सब लोगों की बात वही आपसे विनती करवा के लिए आए। 10 साल के मायने जो शासन आप लोग देखा, मोदी जी को भी शासन देखा, स्वामी जी को भी देखा, कार्यकाल देखा, मैं तो आपने एक ही बात कह रहा हूँ, पिछला 10 साल के मायने मोदी जी का ऐतिहासिक काम किया जगह की बदौलत पूरी दुनिया के मायने भारत और मोदी जी का नाम को डंको बाज रहे। थाका वोट की ताकत है। एक छोटो सो थर्म उदाहरण देव चाहू, रूस यूक्रेन के मायने लड़ाई हुई और अपना नौजवान बच्चा जगह बड़े पढ़ाई करता, 20,000 के लगभग स्टूडेंट बड़े पढ़ाई करता और मोदी जी फोन करे, दोनों देशों का राष्ट्रपति ने फोन करो, लड़ाई बीच में रुकी और अपना नौजवान आपकी बसा का तिरंगो झंडो लहरा लगा और सैकुशल बारे निकला। वो पहलो मौका है दुनिया के मायने कि तीसरा देश का प्रधानमंत्री का दखल सो दो देशों की लड़ाई रुकी और अपना बच्चा बच्ची बेटा उससे कुशल वापस आया और आई नहीं आप तिरंगो झंडो लगा ताकत देख जो भारत देश की जो पाकिस्तान का बच्चा है वे भी आप तिरंगो झंडो आपकी बस के निकाल सकुशल आगा क्योंकि आपने मोदी जी को बड़े फोन करेड़ो। तो मैं अपना कर रहा था वोट की ताकत है। आज स्वामी जी है, स्वामी जी एक सामाजिक संत है, निर्विवाद रूप से कदे कोई आपको आज तक कोई बयान कौन सुने वालों से कसू कोई द्वेष तक फैले या कोई विवाद पैदा हो, एक संत की सच्चा संत की भूमिका के मायने आपके सामने हमेशा सु रिया और बहुत बढ़िया काम करे सामने आ जाओ अनि भाई बैठो 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 आप छोटा सा मैं काम बता रहा हूँ स्वामी जी का भैया तो थाने पर्चो पकड़ा दिया बहुत लंबी लिस्ट है बहुत एक ढोला जाए लेकिन मैं एक छोटा छोट में थाने बता रहा हूँ। पहलो काम करे स्वामी जी अपना बच्चा के लिए सीकर जिला के मायने लगभग 200 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज लाया पहलो का 600 करोड़ की ज्यादा की लागत से शेखावाटी यूनिवर्सिटी की स्थापना बनाई स्थापना करवाई और वर्तमान में एक बहुत सुंदर आलिशान यूनिवर्सिटी को भवन बहुत ज्यादा तो बन चुके और काम चल रहे। मैं कह रहा हूँ पूरा देश के मायने जगह बहुत सुंदर कैंपस और अच्छा कैंपस जो की यूनिवर्सिटी का है शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी बवा एक यूनिवर्सिटी है। बस स्वामी जी की देन है अपना नौजवानों के लिए 4 करोड़ को इंडोर स्टेडियम सारा गेम अंदर ही अंदर खेलो ऊपर पूरा इंडोर स्टेडियम बनायो और खिलाड़ा के लिए अपना जगह एथलेटिक बाल लोगों के लिए 8 करोड़ 60 लाख की लागत से एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक बना रहा है जगह को काम चल रहा है पूरा देश के मायने सैनिक अकेडमी एक ही पहली शिमला चंडीगढ़ में एक सैनिक अकेडमी देश में दूसरी सैनिक अकेडमी अगर आई तो बस सीकर जिला में आई भी को काम चल रहे वर्तमान स्वामी जी की देन है। पहली 5-7 ट्रेन सीकर तक नहीं आती आज 50 ट्रेन चल रही है 49-50 ट्रेन चल रही है आपने रिंगा श्रीमाधोपुर नीमका थाना सैकड़ों ट्रेनों को ठहरा हो चुके हो और नई गाड़ी इतनी चालू हो और मैं तो खंडेला के लिए सबसे बड़ो धन्यवाद देवा चाह रहा हूँ। आपने वोट देवा के लिए एक चीज ही बहुत पर्याप्त है कि पूरी दुनिया में आज खंडेला को यूरेनियम के मर नाम आ चुके हो खंडेला को नाम आवे रॉयल को अतो बड़ो कारखानो जगह के मायने 2-3 हजार नौजवान ने रोजगार मिलसी और जब बार को आवागमन होसी ट्रेन आसी यूरेनियम ले जावा के लिए ट्रेन ने भी जोड़े जासी विश्व यात्री ट्रेन भी जोड़ी जाए और ये आवाजाही से पूरा क्षेत्र को खाया कल्प हो जाए लो आज 10 साल बाद में देखो ला तो खंडेला दूसरो परिवर्तित हो जा लो नहीं यार वास्तव में टिक्के बने 35 साल पहले बा फाइल चली जो कि नीचे दबगी और स्वामी जी जब बढ़िया भी फाइल ने निकाल आज यूरेनियम को प्लांट अंडरग्राउंड बन पूरा तैयार हो चुका
बहुत बड़ी बात है। सामान जो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट है जगह अगर कोई विजन कौन है कोई लेन देन कौन है कांग्रेस भी बीमी लाग गया पहले तो मैं उतर ला बिन करोड़ कोई पद तैयार नहीं हो जा घेर दिया। और अब कह रहे लाखों से जिताऊ रहे भाई एमएलए चुनाव के मायने अमर राम जी खड़ा हुआ जगह वर्तमान माँ का सामान है जगह 3 महीना पहले खड़ा हुआ एमएलए चुनाव में जगह के 20,000 वोट आया थे तीसरे स्थान पर ही दाताराम गढ़ और बीसू पहले जो लोकसभा को चुनाव लड़े 37,000 वोट आया थे। और अब कहते लाखों जल दुनिया ने ब्रह्मावा को काम है कोई तो अगने लेना देना को नहीं है कोई झूठी बात बनाओ है। स्वामी जी बहुत अच्छा कैंडिडेट आपने मिला तीसरी बार और अब की बार बढ़िया मार्जिन से जितार भेजो जो को आगे आपके सरकार बने ली निश्चित रूप से तो भी सरकार में आपनी भी भागीदारी बने मंत्री बने ला मत आना ईमानदार से बात कर राजनीतिक गलियारा मत करता और पहले वाला चुनाव तो फिर भी भाई लोकल स्टेट को चुनाव वो चुनाव देश को है और स्वामी जी केवल हमरा राम जी को चुनाव को नहीं है कोई देश के लिए अपनी पीढ़ी के लिए नौजवानों का भविष्य को चुनाव है। इन्हें आपने कह रहा हूं कि सबने कह सुन और कांग्रेस वाले जगह ने भी कह दो कि यार था को कैंडिडेट ना और ना कोई बात ना खटे खटे थे के करो ला वो मौको है तो वही कमान दे दीवान नक्की करो ही काम बन लियो सारा भाई बेड़ा वेर एक जगह वोट दे दो जो को डंखा काम हो जाए कि सरकार हटे भी बीजेपी की बन गई बैठे भी बीजेपी की ऑलरेडी यार दूसरी तीसरी बार दोबारा बन जा सी आज की सरकार बनी था को वोट दियो थे 3 महीना पहले 4 महीने पहले जो को वोट दियो भी वोट के बाद में सरकार बनी पहलो फैसलो के करियो सरकार को सुना जका नौजवान साथी खड़े तैयारी कर रहे जकी मैं मेरी छोटी बहन खड़ी तैयारी करे जका गले थे मेहनत करो मजदूरी करो पसीनो बहाओ और किया जिया कर आने सीकर जयपुर या अटे खंडेला तैयारी कराओ कोचिंग कराओ कि यार आगे बढ़ जाए कि नौकरी लग जाए तो धंधा सिर हो जाए और बाद में तैयारी करे 3 साल पेपर देवा जाए जना पेपर लीक हो जाए। बी दर्द ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा समझा पहलो फैसलो करो कि पेपर लीक के लिए एसआईटी को गठन करो और बी को नतीजो है आजाद हिंदुस्तान के मायने पहली बार 65 व्यक्ति नौकरी लगेड़ा चार चार दो दो तीन तीन साल से नौकरी लगेड़ा 65 आदमी थानादार लेक्चरर आज जेल के मायने बैठे हजार देखे हो अखबार क्या के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी समझा से क्या नौजवान कत्ती मेहनत करे माँ बाप का तो कत्ता परेशान भैर उन्हें पढ़ाई कराओ है और फिर कोई 2 रुपया देर पर्चो खरीद ले पेपर खरीद ले भी को नंबर आवर मेहनत का आदमी नौजवान है जो पीछे रह जाए भी दर्द ने समझवा काम 3 परीक्षा हो चुकी कार्यकाल में एक पेपर लीक तो छोड़ो या हवा भी खटे पास को नहीं हवा तो सरकार की इच्छा शक्ति है नौजवानों के लिए अच्छा काम हो सी गांव की भलाई के लिए अच्छा काम हो सी पानी की समस्या के लिए मैं कह रहा हूं जो मेरा चित्र ध्यान है जो कि ऐसा ही तो समाधान करवा ही करवा एमपी चुनाव के बाद में जब कोटो आ जाओ अरे मैंने कोटो भी को नहीं हो बी के बाद में सारा काम मिला लेकिन पानी के लिए बड़ा स्तर पर प्रयास करो दूसरो फैसला करो माननीय मुख्यमंत्री जी यमुना जल समझौतो करवायो 30 साल से को समझौतो पेंडिंग हो वो स्वामी जी का प्रयास सो माननीय दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा का राजस्थान का समझौतो करियो और बी के लिए डीपीआर बड़ा तैयार हो गयो। दूसरी बात 8,000 करोड़ रुपए की लागत से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को लिए नया पीसा आपने सीकर जिला के लिए स्वीकृत हो चुका है और मैं आपने कब चाह रहे हूँ 2025 के मायने हर घर के मायने नल खोल लगा सतलुज को पानी आओ भी नल के माय सतलुज को आ लोगों ने झांसा देता खूब साल हो चुकी लेकिन आज तक पानी को न्यास कह लो क्यों क्योंकि आपके लिए कोई जनता का हित के लिए प्राथमिकता और स्वामी जी के कुर्सो परिवार है आफाना लोगों के लिए आफाइयों का परिवार है आपने लिए दिन रात मेहनत करेला बढ़िया बढ़िया काम कराओला अच्छा काम कराओला और निश्चित रूप से अब की बार अपना अच्छो मौको आने देला तो बड़ी लीड से जाएला तो मंत्री भी बनाओला और बहुत ऐतिहासिक काम ही कमाए नाला बातों में बहुत कुछ क्या बचा रहे हो लेकिन समय की आगे आगे लेट खाने भी काफी देर इंतजार करता होगी तो समय
काफी ज्यादा हो चुके हो, इसलिए आप सब लोग 19 तारीख ने चाहे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आप वोटर रह रहे हो, लेकिन ये मना कर लीजिए कि यारो वो तो एमपी को चुनाव ही में एक वोट को कितने एक एक वोट की कीमत है और एक एक वोट अपने काउंट करा गिनाणो है और स्वामी जी ने जिताणो है। और भारत माता की, बस्ती माता की, स्वामी जी की। अब स्वामी जी आपको संबोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय आपका। हमने आपकी जब नुक्कड़ सभा हुई थी यहाँ पर, तब भी आपको विश्वास दिलाया था कि हम दायरा से जो सब भाईचारे से रहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि 1000 वोटों की आपको लीड दिलाएंगे। तो इस बार भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सांसद जी को भी हम 1000 वोटों की वादा कर दे। क्या आप लोग सब सहमत हैं? तो मैं वादा कर दूं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके विश्वास दिलाइए हमारे स्वामी जी को कि हम दायरा से 1000 वोटों की लीड दिला करके भेजेंगे। जोरदार तालियां। और स्वामी जी से एक छोटा सा निवेदन और है कि इस दायरा ग्राम को जो काफी दिनों से राजनीति प्रताड़ना झेल रहा है, तो इस बार आप इसे गोद लेकर के इसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर करने का प्रयास करेंगे स्वामी जी। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान में दायरा गांव की इस जनसभा में हमारे बीच उपस्थित आपके लाडले विधायक आदरणीय श्री सुभाष मील जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, हमारी सम्मानित बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आदरणीय सुभाष जी ने सारी बातें आपके सामने व्यक्त कर दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले के जो 10 साल थे 2004 से 14, आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको घोटाले घोटाले दिखाई देंगे। राजीव गांधी जी खुद इस बात को स्वीकार करते थे, उन्होंने कहा भी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए रिलीज करते हैं तो आपके खाते में पूरे 6000 रुपए आते हैं, 1 पैसा कम नहीं होता है। नरेगा का पैसा पूरा, सब्सिडी का पैसा पूरा, पेंशन का पैसा पूरा, पंचायतों के खाते में डायरेक्ट पैसा, तो डीबीटी के माध्यम से वो डायरेक्ट पैसा आपके खातों में आता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था मेरी सरकार किसान मजदूर युवा और महिलाओं के लिए समर्पित होगी। ये भी कहा था न खाने दूंगा न खाऊंगा, 1 पैसा किसी मंत्री पर या किसी सांसद पर 1 पैसे का भी आरोप नहीं है। ऐसी साफ सुथरी सरकार माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और सारी दुनिया में डंका बज रहा है। पहले मुझे याद है मैं कई बार विदेश गया, मोदी जी के काल से पहले विदेश जाते थे, अमेरिका और यूरोप के देशों में हमारे मंत्री तक की जो इस प्रकार की तलाशी ली जाती थी वो शर्मनाक थी। हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था, दो दो तीन तीन दिन तक उसको मुलाकात के लिए वेटिंग करनी पड़ती थी। अब हमारा प्रधानमंत्री जाता है,
हमारे मंत्री जाते हैं, मैं स्वयं जाकर के आया एयरपोर्ट के ऊपर, जहां तलाशी होती थी उसके जगह वहां के अधिकारी गुलदस्ते लिए खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लाल कारपेट जहां तक जाता है उसके पास में कार लगी खड़ी मिलती है, वहां के मिनिस्टर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। भारत दिन प्रतिदिन दुनिया में उन्नति कर रहा है और इसलिए वो चाहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारी लोकसभा में मुझे आपने दो बार चुन करके भेजा, अभी सुभाष जी आपको बता रहे थे, ये पंपलेट आपके हाथ में, मेरा एक पंपलेट है, 10,000 करोड़ के काम सीकर लोकसभा में हुए, अभी मेरे कानों में आवाज आई, इस गांव में पानी की समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया, मैं पहले ही प्रयास कर रहा था। कारण क्या था कि दिल्ली में हमारी सरकार होती थी तो राजस्थान में नहीं होती थी, राजस्थान में होती थी तो हरियाणा में नहीं होती थी, अब तीनों जगह हमारी सरकार है और तीनों जगह सरकार होने के नाते पानी का समझौता हो गया, हस्ताक्षर हो गए, पेयजल के लिए प्रधानमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे 2025 के दिसंबर तक आपके घरों में नल के माध्यम से नहर का मीठा पानी पीने को मिलेगा। हम दोनों व्यक्ति आज आपके कह करके जाते हैं, तब तक कोई ऐसा ही व्यवस्था करेंगे, 2 साल तक कोई ऐसा ही व्यवस्था, कोई ट्यूबवेल बनाने का काम करेंगे और करेंगे, लेकिन 2025 में 100 साल की व्यवस्था हो जाएगी। और मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, स्थाई काम किए हैं, हमने वही काम किए हैं, ट्रेनें चलाई हैं, सारे देश को जोड़ दिया, आज बॉम्बे, शिरडी साईं, रामेश्वरम, तिरुपति, प्रयाग, सब जगह हमारी ट्रेनें सीकर के स्टेशन से चल के जा रही हैं। बच्चों के लिए स्टेडियम बनाया है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, उसका एक कारण था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चे जाके खेलते हैं वहां उनको सिंथेटिक ट्रैक मिलता है, मिट्टी में दौड़ करके अचानक सिंथेटिक ट्रैक पर बच्चा जाता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे मेडल नहीं लेकर के आते। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रैक बनेगा और हमारे बच्चे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के आते हैं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने निश्चित कर दिया है बिना किसी इंटरव्यू के, जो बच्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएगा उसको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। राजस्थान सरकार में बच्चा ग्रेजुएट हो, उसके पास मेडल हो, उसको डायरेक्ट पुलिस में डिप्टी की नौकरी, फॉरेस्ट में रेंजर की नौकरी, भारत सरकार में टीटी की नौकरी, रेलवे के अंदर और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। और आपकी नजरों में भी कोई ऐसा नौजवान या हमारी बहन हो जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिया हो, स्वामी सुमेधानंद 6 महीने के भीतर भीतर उसको नौकरी दिलाएगा, आप मेरे पास लेकर के आ जाएंगे। अभी मैंने जिला हेडक्वार्टर पर काम किए हैं, अब मेरा विचार है कि हम उसको तहसील पर लेकर के आए, प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर एक सुसज्जित स्टेडियम हो ताकि बच्चे खेल सके, बड़े बड़े गांव के अंदर हम स्टेडियम का निर्माण करें ताकि बच्चे खेल सके, बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए अच्छी लैब हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान हमारे सीकर जिले के 16 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं। जिस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी संख्या अच्छी होगी, उसको प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रुपए देते हैं, हमारे 16 विद्यालयों को मिले। और प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम और किए हैं, एक ही बात कहकर अपनी बात विराम देता हूं। आप किसान हैं, पशु रखते हैं, पशु बीमार हो जाते हैं, हर गांव में हॉस्पिटल नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया 16 एम्बुलेंस हमारे यहां पर लगा दिए, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, आप टेलीफोन करेंगे
एक घंटे के भीतर आपके खेत में, आपके डाणी में, आपके घर पर, जहां आपका पशु बीमार है, जो लोकेशन भेजेंगे उस लोकेशन पर एक घंटे के भीतर एम्बुलेंस आके इलाज करके चली जाएगी। केवल 100 रुपए लेगी, चाहे वो सीकर से चल करके आए। वो एक टोकन मनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रखी है। तो मोदी जी का विचार है गांव का बच्चा, गांव का किसान, उसका विकास हो। मैं अंत में निवेदन करूंगा, मुझे एक पत्र लिख करके दिया है, यहाँ बहुत सारे मजदूरों ने सारा इंडिया में पैसा जमा करवाया, वो पैसा चला गया आपका। माननीय गृह मंत्री जी से मैं इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सीधी बात करूंगा, आप लोगों को भी दो चार आदमी मेरे साथ चल पड़ना। मैं वित्त मंत्री और गृह मंत्री, चार नौजवान मेरे पास आ जाना, लिख करके ले आना, ये मेरे को दे दिया आपने लिख करके, मैं डायरेक्ट आपको मिलवा करके आपकी समस्या का समाधान करवा दूंगा, ताकि आपको खुद मिलकर के अपनी पीड़ा व्यक्त करें। और मैंने खुद पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया था, फिर दोबारा उठाऊंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, कोई आदमी किसी की तकलीफ है, पीड़ा है, हमें आपने इसलिए चुन करके भेजा है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग 19 तारीख को अधिक से अधिक वोट दे करके, 100% मतदान करके हमारा ये काम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जन्मदिन इनका है ना, क्या नाम है, आज ओम प्रकाश जी का जन्मदिन है। देखो कितना बढ़िया मौका मिला है, तो मैं इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। हमारे विधायक तो काटेंगे केक, और मैं बोलता हूँ मंत्र तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्थार्क्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ले भाई, सागे सागे दोनों काम कर दिया तेरा।